बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही बाजार में जामुन मिलना शुरू हो जाता है। रस से भरी जामुन खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जामुन देखने में काले और छोटे होते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जामुन के बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। गर्मी के मौसम में आम आने के समय जामुन भी आता है। आयुर्वेद में जामुन को सबसे ज़्यादा मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए माना जाता है। जामुन के फायदे और स्वास्थ्य की दृष्टि से कई विकारों को दूर करने के लिए आयुर्वेद में भी जामुन के फल, छाल, पत्तियां एवं बीजों का उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। जामुन का फल आमतौर पर काले या गहरे गुलाबी रंग का होता है। जामुन गर्मी के मौसम में शुरू होकर बरसात में मिलने वाला एक फल है। जामुन को अंग्रेजी में ब्लैक प्लम कहते हैं। जामुन के गुठली के भी अनेक फायदे हैं। जामुन का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है, जो कई विकारों को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। जामुन खाना हजम करने के साथ ही साथ दांतों के लिए, आंखों के लिए, पेट के लिए, चेहरे के लिए भी फायदेमंद होता है। जामुन में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसलिए यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जामुन का फल खाने की इच्छा बढ़ाने के साथ ही साथ लीवर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। जामुन के बीज, पत्ते तथा छाल सभी को औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। मधुमेह की चिकित्सा में ज़्यादातर जामुन के बीजों का प्रयोग किया जाता है। यह पेट के कीड़ों को खत्म करता है और गठिया में भी फायदेमंद है। इसके फल सुगंधित तथा मीठे होते हैं। तो चलिए जानते हैं जामुन के फायदे और नुकसान के बारे में। हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक छोटी सी घंटी आएगी, उसे दबाकर आल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। त्वचा और आँखों के लिए फायदेमंद है जामुन। जामुन को त्वचा के रोगों को दूर करने के लिए आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जामुन की छाल एक अच्छी रक्त शोधक होती है, जो कि खून को साफ करके त्वचा के रोगों को दूर करती है। जामुन का रस स्किन पर लगाने से पिंपल्स, मुहासे जैसे विकारों में आराम मिलता है। जामुन का प्रयोग मधुमेह के कारण आँखों पर होने वाले नुकसान से बचने के लिए भी कर सकते हैं। बड़े हों या बच्चे, सभी के लिए जामुन फायदेमंद है। डायबिटीज में फायदेमंद है जामुन। जामुन डायबिटीज के लक्षणों, अधिक पेशाब और भूख को कम करने में मदद करता है। यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है और ब्लड शुगर को सामान्य बनाए रखता है। जामुन की पत्तियां, छाल और बीज सभी डायबिटीज के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। यह इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए जामुन के सीजन में इसके फलों का सेवन शुगर के मरीजों को खूब करना चाहिए। जामुन की गुठलियों को सुखाकर पाउडर बना लें। इसे गुनगुने पानी के साथ खाली पेट एक चम्मच लें। इससे आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा। जामुन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपकी त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से रोकता है, क्योंकि यह एंटी एजिंग भी होती है। आप जामुन का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है जामुन। इसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से जामुन खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने से रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में अधिक ऑक्सीजन का फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। जामुन में पाया जाने वाला आयरन रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। आँखों के लिए फायदेमंद है जामुन। विटामिन ए आँखों के लिए लाभकारी होता है और यह जामुन में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जामुन में खनिज और विटामिन सी भी पाया जाता है, जो त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। मसूड़ों और दांतों के लिए लाभकारी है। मसूड़ों और दांतों के लिए भी जामुन बहुत फायदेमंद होता है। जामुन की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और इस पाउडर से दांत को साफ करें। यह संक्रमण और मसूड़ों से खून निकलने से रोकता है। जामुन के पेड़ की छाल कसैली होती है, जो मुँह के अल्सर से सुरक्षा प्रदान करती है। हृदय रोग में फायदेमंद है जामुन। पोटेशियम से भरपूर जामुन हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होता है। 100 ग्राम जामुन में लगभग 55 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जो उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक सहित कई तरह के रोगों से शरीर का बचाव करता है। संक्रमण दूर करता है जामुन। जामुन में जीवाणु रोधी, संक्रमण रोधी और मलेरिया रोधी गुण पाए जाते हैं। जामुन का फल सामान्य संक्रमण से बचाने में मदद करता है, इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए जामुन का सेवन किया जाता है। पिंपल्स और किल मुहासे में लाभकारी है जामुन।
चेहरे के मुहासे के इलाज में भी जामुन का प्रयोग किया जाता है। जामुन के बीज को पीसकर इसमें गाय का दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और रात में सोने से पहले इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के थोड़ी देर बाद धोकर पोंछ लें। मुहासे कुछ ही दिनों में दूर हो जाते हैं। दाद दूर करता है जामुन। दाद के इलाज में भी जामुन बहुत फायदेमंद होता है। जामुन के रस को थोड़े से पानी में मिलाकर त्वचा पर लोशन के रूप में लगाने से दाद की समस्या ठीक हो जाती है। स्टैमिना बढ़ाता है जामुन। शरीर की कमजोरी को दूर करने और खून की कमी की समस्या में जामुन का रस बहुत फायदेमंद होता है। यह याददाश्त बढ़ाता है और सेक्सुअल कमजोरी की परेशानी को भी दूर करता है। एक चम्मच जामुन के रस में एक चम्मच शहद और एक चम्मच आंवला का रस मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। गैस की समस्या में लाभप्रद है जामुन। जामुन की छाल और बीज का पाउडर पेट में गैस की समस्या को दूर करने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह डायरिया, अपच और पेचिस के इलाज में भी बहुत प्रभावी है, इसलिए लोग पेट की समस्या से निजात पाने के लिए जामुन का उपयोग करते हैं। अशुद्धियाँ दूर करता है जामुन। जामुन के बीज में फ्लेनाइड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह शरीर से सिर्फ मुक्त कणों को बाहर नहीं निकालता बल्कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों को भी अधिक प्रभावी बनाता है। यही कारण है कि जामुन शरीर की अशुद्धियाँ और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और इम्यून सिस्टम के कार्यों को बेहतर बनाता है। जामुन खाने के नुकसान। जामुन खाने के बहुत सारे फायदे हैं, तो इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सभी चीज़ों का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर स्वास्थ्य की बात हो तो जामुन के फायदे के साथ साथ जामुन के नुकसान के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। जामुन का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए। खाली पेट जामुन खाने से कब्ज की दिक्कत हो जाती है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि खाली पेट जामुन ना खाएं। दूध पीने के एक घंटे पहले या फिर दूध पीने के एक घंटे बाद जामुन खाने से यह नुकसान कर सकता है। अगर शरीर में कहीं भी लगातार सूजन बना हो या फिर लगातार उल्टी हो रही हो तो जामुन नहीं खाना चाहिए। अधिक मात्रा में जामुन खाने से शरीर में दर्द और बुखार भी हो सकता है, इसलिए जामुन को उचित मात्रा में ही खाना चाहिए। जामुन के बीज, छाल और पत्तियों से बने उत्पादों का सेवन अधिक मात्रा में करने से यह डायबिटीज रोगियों के ब्लड शुगर घटा भी सकता है, जिससे उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सर्जरी के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा शरीर का ब्लड शुगर लेवल घट सकता है। आप जामुन का सेवन जरूर करें, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर उचित मात्रा में करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।